नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के सम्मान में हिंदू क्षत्रिय वाहिनी रीवा इकाई ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका है। हिंदू क्षत्रिय वाहिनी के संभागीय जनसंपर्क प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में चल रहे घटनाक्रम के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के द्वारा मुंबई में बड़े बड़े ड्रग माफियाओं का उजागर हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कंगना के सम्मान में हिंदू क्षत्रिय वाहिनी रीवा इकाई ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका है। हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन के संभागीय जनसंपर्क प्रभारी हिरेंद्र सिंह बाघेल ने जानकारी देते हुए कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में चल रहे घटनाक्रम में बॉलीवुड की पद्मश्री अवार्ड प्राप्त अभिनेत्री कंगना रनावत के द्वारा मुंबई के बड़े बड़े ड्रग माफियाओं को उजागर किया गया। साथ ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि इस रैकेट में फिल्मी दुनिया के कई और नामी कलाकार शामिल है। इन सब को महाराष्ट्र सरकार के कई नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। कंगना के इस उजागर हुई बातों से आहत महाराष्ट्र सरकार के कुछ नेता बदले की भावना रखते हुए महाराष्ट्र में न आने की धमकी दी और अपशब्द भी कहे, जिसका कंगना ने शेरनी की भांति खुलकर विरोध किया और जन समर्थन के साथ वापस मुंबई आ गई। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के बदले ही भावना से उनके मुंबई पहुंचने से पूर्व उनके दफ्तर को बुलडोजर से अवैध बताकर करवा दिया, जिसमें उनके बचाव के लिए समय सीमा की कोई नोटिस नहीं दी गई। देश भावना से की हुई कार्रवाई सरासर गलत है। हिंदू क्षत्रिय वाले संगठन द्वारा पूरे जनसमूह के साथ महाराष्ट्र सरकार का पुतला आज रीवा में फूंका गया और ये कहा गया कि पूरा देश कंगना रनावत के लड़ाई में साथ है। अगर इस तरह दमनकारी नीति अपनाई जाएगी तो पूरे देश में संगठन उग्र आंदोलन को विवश होगा। पुतला दहन के कार्यक्रम के दौरान संगठन के सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज़।